भारत जैसे देश में सेक्स की बात करें तो लोग बुरा मानने लगते हैं, लेकिन पूरे विश्व के साथ भारत में भी पोर्न फिल्मों का बाजार बहुत बड़ा है। सरकार के बैन करने के बावजूद पोर्न साइट पर करोड़ों लोग पोर्न देखते हैं। सनी लियोनी जो कभी पोर्न स्टार थी, भारत में लोगों ने उसे सर आंखों पर बैठाया और सेलिब्रिटी बना दिया। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सॉफ्ट पोर्न बनाने के चक्कर में जेल गया और न जाने कितने लोग अब भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज आपको एक पोर्न स्टार पोर्न इंडस्ट्री की राज की बात बताएगी कि कैसे पोर्न फिल्मों की शूटिंग होती है, इसमें कितना पैसा मिलता है और शूटिंग करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट पर सबसे अधिक देखे जाने वाला कंटेंट पोर्न होता है। भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग डेली पोर्न कंटेंट को सर्च करते हैं, लेकिन एडल्ट इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसमें अथाह पैसा है, लेकिन इस दौलत के पीछे कई काले सच होते हैं जिनके बारे में दुनिया जानती तक नहीं है। अब दुनिया की सबसे फेमस एडल्ट स्टार मिया मलकोवा ने एडल्ट फिल्मों की शूटिंग के दौरान किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर कई चौंकाने वाले राज खोले हैं। एडल्ट स्टार मिया मलकोवा एक अमेरिकी पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों के साथ शूटिंग की है। इसके अलावा वे ऑनलाइन फैंस पेज पर अपने खुद के वीडियो बेचती हैं। 26 साल की इस एक्ट्रेस ने एक बार बीबीसी के होस्ट लुई थेराक्स को अपनी साइट से होने वाली महीने की इनकम को बताकर चौंका दिया था। मिया अपनी साइट से हर महीने लाखों रुपए कमाती हैं। पोर्न स्टार ने पोर्न फिल्म इंडस्ट्री के पीछे का सच शेयर किया। ये भी बताया कि एडल्ट पोर्न फिल्म की शूटिंग कितनी देर चलती है और एडल्ट फिल्मों की शूटिंग पर क्या होता है। पिलो टॉक पॉडकास्ट से बात करते हुए मिया ने पोर्न के ट्रेडिशनल साइट पर काम करने को लेकर कई राज खोले। मिया ने बताया कि किसी भी पोर्न फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले उनके सैकड़ों शॉट लिए जाते हैं ताकि शूटिंग वाले दिन के बारे में पता चल सके कि वो उस दिन कैसे दिखने वाली हैं। मिया ने बताया कि शूटिंग वाले दिन मेकअप और हेयर स्टाइल को करने के लिए करीबन 1.5 घंटा तक लग जाता है। इसके बाद सैकड़ों स्टिल शॉट लिए जाते हैं। इन सभी सुंदर तस्वीरों का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया जाता है। मिया ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बाद में शूटिंग के दौरान हम लोगों के मेकअप खराब हो जाते हैं। इसके बाद अब वीडियो का इंट्रो शूट करते हैं जिसमें फिल्म के बारे में बताना होता है। ये सारे बेसिक सीन होते हैं। इसके बाद आपको कई सारे सेक्स स्टिल देने होते हैं जहां पर उनका मेल साथी फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहा होता है। इस दौरान एडल्ट एक्ट्रेस को सभी पोजीशन करनी होती है, लेकिन उस वक्त हम सेक्स नहीं कर रहे होते हैं। यही नहीं, पोजीशन के दौरान महिलाओं को रुकना भी होता है। मिया ने यह भी खुलासा किया है कि वे सीन की शूटिंग खत्म होने के बाद कलाकारों को ल्यूब से नहलाते हैं ताकि उन्हें प्रमोशनल तस्वीरों के लिए तरोताजा रखा जा सके। जब मिया से पूछा गया कि 25 मिनट के सीन को रिकॉर्ड करने में कितना समय लगता है, तो मिया ने खुलासा किया कि सेक्स सीन की शूटिंग दिन के सबसे तेज हिस्सों में से एक होता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि रोल कैसा है। कई बार जब आपका रोल सीधा होता है तो शूटिंग 30 से 40 मिनट में निपट जाती है। हालांकि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती है। मिया ने बताया कि कई मामलों में ये डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि कितनी देर शूटिंग होगी। अगर कोई फीचर मूवी होती है तो भी कम से कम 12 घंटे तक सेट पर रुकना होता है। इसके अलावा ये सीन और फिल्म की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि शूटिंग में कितना समय लगेगा। मिया ने स्वीकार किया कि अगर कोई पुरुष कलाकार शूटिंग खत्म होने तक खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता तो पूरी प्रोडक्शन टीम निराश हो सकती है। अगर लड़का शूटिंग के दौरान ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो सभी को घर जाना होता है और उस लड़के को उस फिल्म से निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रूथ में मिया भारतीय डायरेक्टर राम गोपाल के साथ काम कर चुकी हैं। मलकोवा फ्रेंच कैनेडाई जर्मन और आयरिशा बैकग्राउंड से आती हैं। एडल्ट फिल्मों की अलग अलग कैटेगरीज के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मिया मलकोवा के भाई जस्टिन हंट भी पोर्न अभिनेता है। मलकोवा ने 2014 में अभिनेता डैनी माउंटेन से शादी की थी। डैनी भी एक एडल्ट स्टार है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।